आज हम बात करेंगे बेरोजगारी की। जिस प्रकार से अभी कल हमने पुतला दहन भी किया था, आप सभी को जानकारी होगी, और हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में हर चीज की बात करती, ये रोजगार को लेकर के कोई नेता आगे क्यों नहीं आ रहा? रोजगार के अवसर पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश में इस कदर घटे हैं कि हर दिन एक युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है। बड़ी बड़ी नीतियां, बड़े बड़े योजनाएं सरकार ला रही। एक उदाहरण आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा, जैसा कि अभी आ रहा है लाडली बहन योजना। मैं पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि इस 1000 की जरूरत किसी जनता को है? आप जितना पैसा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कर्जा लेकर आज इस मुफ्त के योजनाओं के नाम पे लोगों के बीच में बांट रही है, यदि उस पैसे से कोई बाहरी निवेश या कोई बाहर कोई इंडस्ट्री अगर स्थापित करती मध्य प्रदेश की सरकार, तो मुझे लगता है कई युवाओं को उसके माध्यम से रोजगार मिलता। और जब युवाओं को रोजगार मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें गवर्नमेंट की किसी भी योजनाओं की जरूरत होगी। अगर हम युवाओं को रोजगार मिलेगा तो हम अपना स्वास्थ्य, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, सोलर प्लांट लगा हुआ है, वहां कोई रोजगार नहीं। अब हम थोड़ा सा आपको रीवा में लाएंगे। रीवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधायक जी बड़ी बड़ी योजनाएं बताते हैं, बड़ा बड़ा विकास बताते हैं और उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये युवा NSUI उनसे पूछता है कि अगर रोजगार के अवसर इतने ही हमारे रीवा में हैं, तो आप सर्वे करके देखिए कि हमारे यहाँ के 70% से अधिक लोग बाहर पलायन क्यों कर रहे हैं। तो क्या इस विकास से कोई फर्क पड़ेगा युवाओं के रोजगार में? युवा रोजगार मांगता है। आप चौराहों का विकास करिए, लेकिन उससे पहले युवाओं का करिए, क्योंकि युवा इस देश का भविष्य है। अगर आप युवाओं का विकास करेंगे तो एक दिन वो चौराहे का विकास करवा सकता है, लेकिन यदि आप चौराहे का विकास करेंगे तो उससे युवा का विकास कहीं नहीं होने वाला। क्या मानते हैं आप, ये मुफ्त खोरी ये बंद होनी चाहिए सरकार के द्वारा, जो मुफ्त खोरी चलाई जा रही है? मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आगामी चुनाव में रीवा का युवा, मध्य प्रदेश का युवा इस बात को ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बोले या भ्रष्टाचार जनता पार्टी बोले, इसका विदाई समारोह तय है। क्योंकि शिवराज मामा पूरी तरीके से कंस मामा के रोल में आ चुके हैं, युवाओं के लिए कहीं कोई भी नीतियां नहीं। अभी रोजगार देने की सिर्फ घोषणा हो रही है मामा के द्वारा, तो क्या मानते हैं कि आपको मिलेगी? मैं आपको बता दूं, पहले तो मध्य प्रदेश की सरकार जो कि अभी है भारतीय जनता पार्टी को होश में ये रहना चाहिए कि ऑलरेडी वो कर्जे में है। जब आप खुद कर्जे में हो तो आप युवाओं को रोजगार कैसे दोगे? आप रीवा में एक कोई अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं खोल पा रहे, आप इको पार्क, मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आप युवाओं का विकास करवाइए ना, आप इंडस्ट्री स्टेब्लिश करवाइए, रीवा के लोकल लोगों को रोजगार दीजिए। जो इको पार्क जैसा बता रहे, तो इको पार्क में क्या रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि रोजगार में भी ठीक है, इको पार्क हुआ, रोजगार हुआ, लेकिन जिस मात्रा में सरकार द्वारा पैसा खर्च किया गया है, आप सब मुझे बताइए कि क्या उतने पैसे में या लाडली बहन योजनाओं जैसे में जितना पैसा खर्च की है सरकार, क्या उतने में कोई अच्छा निवेश नहीं आ सकता था रीवा में? अगर लाडली बहन के भाइयों को, लाडली बहन के पतियों को रोजगार मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें परिवार चलाने के लिए इन मुफ्त योजनाओं की जरूरत पड़ेगी।